न्यूज़ चैनल करते हैं आज की शुरुआत कुछ ताज़ा तरीन खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के परसवाड़ा से। विश्वकर्मा आदर्श लोहार विकास मंच परसवाड़ा ग्रामीण अंचलों में विधि विधान के साथ की गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना। इसी कार्यक्रम में शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गयी, जहाँ जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों पर आयोजन किए गए। इसी कड़ी में तहसील मुख्यालय परसवाड़ा से लगभग 1 किलोमीटर चन्ना रोड के किनारे भगवान विश्वकर्मा मूर्ति स्थापना की गई। साथ ही प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट परसवाड़ा से नरेंद्र पप्पू शरणागत की रिपोर्ट। जी अपना नाम और पद बताएं। जी मैं विश्वकर्मा लोहार विकास मंच जिला बालाघाट के उपाध्यक्ष। अच्छा, विश्वकर्मा जयंती जो मना है इस बारे में क्या कहेंगे आप? विश्वकर्मा जयंती मनाने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि समाज जो अशिक्षा की ओर अभी तक है, हमें समाज को एक शिक्षा की ओर लेकर जाना है और संगठित को एकजुट करना है। एकजुट करने के पश्चात हमें अन्य विषयों पर भी ध्यान होगा देना होगा। हम लोग का समाज छोटा होने के कारण, जैसे भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता तो हैं, सारे लोगों के रचनाकार हैं, लेकिन आज भगवान विश्वकर्मा जी की ही मंदिर मूर्ति आज कहीं पे भी नहीं होता है। तो हम लोग वही प्रयास में हैं, समाज को एक शिक्षा का स्तर भी दें और साथ साथ भगवान विश्वकर्मा के एक मंदिर निर्माण भी।